बीती रात नेहरू चौक स्थित एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर नकदी चोरी की और सीसीटीवी रिकॉर्ड से बचने के लिए कैमरे तोड़कर डीवीआर सेट अपने साथ ले गए। पूरा मामला नेहरू चौक स्थित शाह मशीनरी दुकान का है। दुकान संचालक अतुल शाह ने बताया कि जब वे सुबह 6 बजे दुकान पर आए तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले। दुकान के अंदर आकर देखा तो लॉकर से 35,000 रुपए नकदी और डीवीआर सेट गायब था। उन्होंने चोरी की सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान मौके पर SDOP भरत भूषण शर्मा और TI वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। वहीं शाह मशीनरी के पास में स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मुंह पर मास्क और कैप पहने हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चोरों की पहचान करने में जुट गई है। बता दें कि नेहरू चौक और मुख्य बाजार की दुकानों में चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से पुलिस की गश्त नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। 35,000 रुपए नगद ले रहे और एक DVR CCTV के फुटेज का DVR ले रहा लगभग 15,000 रुपए की कीमत। कब सूचना लगी आपको? सुबह 6 बजे सूचना लगी जब हम नीचे आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।